दोस्तों एक सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है, कमेंट में भी कई बार पूछा गया और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में भी कई बार पूछा जाता है कि क्या यूट्यूब बहुत जल्द वॉच टाइम 10,000 घंटे करने वाला है। यानी अब फिलहाल हमारा वॉच टाइम है 4,000 घंटे, 4,000 घंटे पर चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो बहुत लोगों ने मेरे से सवाल किया कि क्या यूट्यूब कुछ दिनों में 4,000 घंटे को बदलकर 10,000 घंटे कर देगा, और अगर 10,000 घंटे हो गए तो जिनका मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है और उनके 10,000 घंटे नहीं है तो उनका मोनेटाइजेशन इनेबल रहेगा या फिर डिसेबल हो जाएगा। तो दोस्तों यही मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा। त्यागी जी टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं छोटी सी इंट्रो के बाद। तो दोस्तों यहां पे बहुत सारे लोगों ने कुछ दिनों से एक अफवाह फैला रखी है कि YouTube बहुत जल्द यानी मई जून में ही अपना वॉच टाइम, जो मिनिमम वॉच टाइम होता है मोनेटाइजेशन के लिए, वो 10,000 घंटे करने वाला है। तो यहां पे मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। YouTube का जो मिनिमम वॉच टाइम है मोनेटाइजेशन के लिए वो 4,000 घंटे ही है फिलहाल। बाकी YouTube जब भी अपनी पॉलिसी चेंज करता है तो फरवरी में पॉलिसी चेंज करता है हमेशा। यानी अगर वॉच टाइम में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती भी है तो अगले साल फरवरी 2020 में ही होगी, फरवरी से पहले नहीं होगी। बहुत लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि मई जून में वॉच टाइम बढ़कर 10,000 घंटे होने वाला है। तो अगर थोड़ा बहुत वॉच टाइम बढ़ता भी है, 10,000 घंटे तो होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि 10,000 बहुत बड़ा टारगेट होता है। 4,000 घंटे ही बहुत बड़ा टारगेट है और 10,000 तो उससे 2.5 गुना ज्यादा हो जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ तो फरवरी 2020 में होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अगर ये चेंजिंग होती है सच में फरवरी में, मान लीजिए YouTube ने 5,000 घंटे का टारगेट रख दिया फरवरी 2020 में, तो क्या उन लोगों के मोनेटाइजेशन इनेबल रहेंगे जिनके वो जिनका 4,000 घंटे तो क्रॉस हो चुका है और अभी उनका 5,000 घंटे नहीं हुआ? तो दोस्तों अगर किसी का भी उस टाइम पे 5,000 घंटे नहीं हुआ जब YouTube ने ये पॉलिसी की, तो उसका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाएगा। और जब उसका दोबारा 5,000 घंटे होगा तो चैनल दोबारा अंडर रिव्यू में जाएगा और फिर से उसका मोनेटाइजेशन इनेबल होगा। यानी YouTube ये मान के चलता है कि जब भी कोई वो पॉलिसी चेंज करता है तो आप उस पॉलिसी की पूरी टर्म्स कंडीशंस को अप्लाई करते हो। यानी अगर उसने कभी भी अपना वॉच टाइम मिनिमम 5,000 घंटे कर दिया और आपका 5,000 घंटे नहीं है तो वो आपके मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर देगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।